ये राइस मिल देखने आए हैं अभी, ये प्लांट लगे हुए हैं इनके, इसके अंदर चावल को भर रहे हैं। ये उमेर भाई के साथ हम आए, ये सारा प्लांट चल रहा है, देखिए चावल सारा चावल है ये, अभी इसको रखा हुआ है, फिर इसके अंदर प्लांट पे डालेंगे, फिर जाके रेडी होगा, ये प्रोसेस से होता हुआ। मामू ने शादी तो प्लांट चल रहा है जी, बॉयलर चल रहे हैं इनके, इसके अंदर से रिफाइन होके फिर बनते हैं चावल जाते हैं। देखिए सारा फैला हुआ, सारा नजबीन फैलाया हुआ है, आए आसमान भाई की मिल पे आए हैं हम, राइस मिल पे इनकी, ये गगो मंडी में सेल जारी है हमारी, बताएं आप सारा पठान हमारे साथ क्या क्या दो रुपया कर रहे हैं, पेमेंट क्यों नहीं दे रहे, हम सारा ये क्या करेंगे दुनिया, ये कच्ची बासमती या पक्की बासमती तैयार हो रही है, सेला कहते हैं, 90% ये खाया जाता है अफगानिस्तान में, पठान खाते हैं, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा चलता है मेरे ख्याल से वो है कच्ची बासमती, ये प्री बॉइल्ड इसको कहते हैं, ठीक है, ये चलता है वो सामने से उन बैतलों में, इसमें फिर हम इसमें नमक भी डालते हैं और करते हैं पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, ठीक है, बॉइल करते हैं तो 12 घंटे उसके अंदर पानी के अंदर रहना पड़ता है, ठीक है, 12 घंटे के बाद निकाल के फिर इसको हम स्टीम के साथ ना इसकी बुनाई करते हैं, सही करके वो ऊपर आप देखेंगे वो सामने स्टीम निकल रही है, हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे बुनाई होती है, उसके बाद ये माल यहाँ पे आ जाता है खुश्क होके, ठीक है, यहाँ पे खुश्क होके ये 15-16 मौसम ख़राब हो तो 20-25 मॉइस्चर ही रहता है, ठीक है, 15-16 मॉइस्चर हो जाता है, सही, फिर उसके बाद ये कॉलम में चला जाता है खुश्क होने के लिए, तो फिर इसको स्टीम लगती है, ठीक, स्टीम के साथ ही आगे खुश्क होता है वहाँ पे, बिल्कुल नील हो जाता है, 0% इसमें मॉइस्चर है, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ होने के बाद ये अंदर जाता है, आप अंदर वाला मामला अंदर जाके बताऊंगा, सही हो गया, मतलब काफ़ी लंबा प्रोसीजर है इसका सारा, ये है 4 से 5 दिन का प्रोसेस है, प्रोसेस है, आज आप डालते हो 5वें दिन जाके गाड़ी बनती है, ठीक है, चावल तैयार हो, मतलब एक टाइम पे कितना ये हो जाता है इसमें, 600 बोरी बनती है, 600 बोरी, देखिए जी ये था फिर राइस जो हम आसानी से खा लेते हैं, उसके पीछे सारी प्रोसेसिंग होती है, तो वो अब आपको बताया हमने, अब अंदर जा रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, वहाँ जाके चेक करते हैं कि किस तरीके से बाकी काम हो रही है, तो आउटडोर था जो उनका उन्होंने बताया हमें, बाकी अब अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके चेक करते हैं, ये छली के जो वो होते हैं बिल्कुल दुखे, ये इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर फ्यूल के तौर के ऊपर, ये बॉयलर मशीन जो लगी हुई है इसके अंदर डालते हैं तो फिर ये आगे काम करता है, फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो फजूल नहीं होती, तो काम की है, ये देखिए ये बिल्कुल फाइनल पोजीशन में पहुँचने वाला है, उसका अंदर बहुत ज़्यादा है, इसके ओवर उड़ गया तो हालत पूरी हो जाएगी, ये चावल का भी छिलका उतरा है इसमें से, ये क्या हो रहे हैं, इसके लिए क्या कर रहे हैं, अच्छा बाहर कॉलम से जो होता है ना वो इसमें आता है माल, ठीक है, वो स्टॉक हो जाता है इसमें, सही है, क्योंकि से हम जब मशीनें चलाते हैं ना जहाँ से उसको खोल देते हैं, ये एलिवेटर उठा के देते हैं इसको माल छानने वाले, इसमें आता है सही, फिर मशीनों से आगे प्रोसेस हो जाता है, ठीक है,
लगी हुई है। सही है। अच्छा सारा ये आपस में इसने निकलना है। ठीक, ये सारे आपस में कनेक्ट हैं? नहीं कनेक्ट नहीं है, एक से निकल के दूसरी में नहीं, नहीं जो बाहर से जो बॉयलर आ रहा है उससे करापता है इनका किसी का? सिर्फ वो बिन्नू का है। अच्छा बिन का पाइप पर लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ से पाइप से अंदर माल। सही हो। अच्छा ये फिर अलग हुआ, ये हर जैसे पीछे से छानने में आएगा, छानने से एक मशीन में आएगा, ठीक है मशीन में जाएगा। सही, ये एलिवेटर्स के थ्रू। ठीक है, इसके अंदर सारा ब्रोकन भी साथ होता है। ठीक है, हर चीज साथ होती है। फिर ये जो उनसे तीन स्टेज है ना, इन्होंने इसमें छानना, इसको छानना चावल। ठीक है, ठीक है, फिर इसमें आएगा, इसमें नक्कू अलहदा हो जाएगा। ठीक है, टोटा अलहदा हो जाएगा, ये टोटा पड़ा। सही, ठीक है, नक्कू इधर निकल जाएगा और टोटा भी इधर निकल जाएगा, बाकी ये भी आ जाएगा। ठीक है, सारे का सारा। सही, और उसके बाद फिर इस बिन से ये एलिवेटर के थ्रू इस एलिवेटर में आएगा। ठीक है, ऊपर वो दो लेंथ ग्रेडर और लगे हुए हैं। अच्छा, उनमें जाएगा, उधर से शॉर्ट ग्रीन एक होता है और एक राइस वन होता है, क्वालिटी बनती है, दो क्वालिटियाँ और निकल जाएंगी, वो निकल जाएंगी क्वालिटीज में आने, और उसके अंदर जाएगा कलर सॉर्ट, कलर सॉर्ट मशीन है। ठीक है, उसके अंदर से जो काला इसमें होता है ना डैमेज दाना, काला दाना, वो निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, और फिर चावल सारा फाइनल अगले चावल भी मैं आपको सारे प्रोसेस के बाद इस तरह से यहाँ पर आके बनता है। और ये जो बोरों में अभी ये फाइनल अच्छा फाइनल हुए, ये सारे फाइनल पैक हो गए है ना, ये कौन सा वाला भी चावल? सेला, सेला चावल है जी। देखिए ये बिल्कुल फाइनल पोजीशन में आ चुका है यूज़ करने के लिए, मतलब सबसे अच्छी वाली क्वालिटी होगी ये। बिल्कुल ठीक सारा। जी हम रेडी हो गए हैं, हम वहाँ पर वलीमे में जाने के लिए, तो बस हम आते रह गए, उसका वेट कर रहे हैं, फिर यहाँ से हम निकलेंगे। पहले हमने सारा सुबह के टाइम आके यहाँ गांव सारा विजिट किया, सारी मेल्स देखी हैं और बाकी जो खेत वगैरह था वो देखे हैं, अब वलीमे में जाने के लगे हैं हम, तैयार हो गए हैं सारे। देखें लाल तैयार हो गया, ये ऐसा वीडियो बनवा रहा है, तो बस हम आपका वेट कर रहे हैं, हम आता तो फिर निकलते हैं, वहाँ फरहान भी वेट कर रहा है, तो फिर जाके आपको दिखाते हैं कि गाँव की शादी किस तरीके की होती है। जी तो ये था आज का हमारा सारा बिजी डे गुजरा है सर, और काफ़ी थक गए हैं, अब हम यही इस्लामाबाद की तरफ निकल रहे हैं यहाँ से, अभी 5 बजे का टाइम हो रहा है, तो तकरीबन पहुँच जाएंगे रात के 12 बजे तक पहुँच जाएंगे, 6 घंटे का सफ़र है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करें बताइएगा वो कैसी लगी वीडियो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।